नमस्कार दोस्त, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज बात करने वाले हैं सीएससी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि सीएससी का आईडी है। अगर आप लोग को भी सीएससी का आईडी लेना है तो वो हम कैसे लेंगे, खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि खुद से हम अप्लाई कैसे करेंगे सीएससी आईडी लेने के लिए। सीएससी आईडी लेने के सबसे पहले क्या क्या चीज जरूरी पड़ता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कहां से होगा, मैं सारा जो डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको भी सीएससी का आईडी का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मेरा वीडियो में आप बनल रहे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सीएससी का आईडी हम कैसे लेंगे। सीएससी आईडी लेने के लिए सबसे पहले कहां से अप्लाई करना पड़ता है, कैसे अप्लाई होगा, सारा जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल जो है बिना सीएससी आईडी के बहुत सारे काम नहीं होते हैं और सीएससी आईडी रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका सीएससी आईडी ही प्रचार कराता है कि आप एक अच्छा साइबर क्राइम वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं कि सीएससी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्त, मैं एक चीज और बता देता हूँ। सीएससी आवेदन करने के लिए आपको 1499 रुपये का जो है ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सीएससी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करना है और हमको सीधा जाना है क्रोम ब्राउजर में, आप लोग भी आ जाइएगा और गूगल पर सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखिएगा, लिखने के बाद आपको मेन पोर्टल आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके देखिए ऑफिशियल साइट पर हम आ गए हैं और यहीं से हमको सबसे पहले सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो है ऐसे क्लिक करिएगा फर्स्ट ऑप्शन में, तो सीएससी वीएलसी पूछा जा रहा है, इस पर जो क्लिक करना है। इसके बाद जो टेक सर्टिफिकेट नंबर यही मांगता है लेकिन किसी के पास अभी नहीं होगा तो हमको सबसे पहले यही नंबर जनरेट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके बाद हमको अप्लाई पर जाना है और नीचे आप देखिएगा तो टेक सर्टिफिकेट, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्त, इसका पोर्टल जो है से खुल जाएगा, 1499 रुपये का आपको चलान कटेगा। तो यहाँ पर नीचे हम आते हैं और यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करिएगा तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन को करने का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर अब हम क्लिक करेंगे, देखिए इसका मेरा जो है से पेज जो है से ओपन हो गया है। इसमें जो है से आपको जो है से आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम जो है से इसमें टाइप करना पड़ता है। उसके बाद जो है से परमानेंट आपको मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ता है। उसके बाद जो है से देख रहे हैं टाइप करना पड़ता है। नीचे हम आपको बॉक्स के माध्यम से समझाते हैं तो थोड़ा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं बॉक्स, सबसे पहले जो है से आधार कार्ड के अनुसार जो है से इस बॉक्स में आपको नाम अपना टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर इसमें जो है इसे टाइप करना है जो परमानेंट होगा। उसके बाद आपको पर्सनल जीमेल आईडी जो है इसमें टाइप करना होगा। उसमें आपको आधार कार्ड के पीछे देखिएगा तो आपके पिताजी का नाम होगा, तो पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज करिएगा। महिला अगर होंगे तो उनका पति का नाम जो है इसे डाला जाएगा। उसके बाद जो है आपको स्टेट जो है इसे बिहार ले लेना है, यहाँ पर हम बिहार ले लिए हैं। उसके बाद जो है अब डिस्ट्रिक्ट आपका जो है से वैशाली हो गया, तो यहाँ पर हम जो है से वैशाली चूज करने वाले हैं, वैशाली करने वाले हैं। उसके बाद पूछा जाता है मेल है कि फीमेल, तो आप लोग अगर मेल होंगे तो मेल डालिएगा, फीमेल वाले फीमेल डालिए। डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार इसमें जो है डालना है, एड्रेस भी आपको आधार कार्ड के अनुसार इसमें डालना है और इसमें जो है फ़ोटो, एक फ़ोटो जो है आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद कैप्चा दीजिएगा, सबमिट करिएगा तो आपको सीधा जो है दोस्त 1499 रुपये का जो है ऑनलाइन जो है कूपन लेना पड़ता है। उसके बाद जो है टेक सर्टिफिकेट नंबर आएगा। दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमको अभी जो है ऑनलाइन किसी का नहीं करना है, बस इससे आगे कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब आपका जो है टेक सर्टिफिकेट जब ऑनलाइन 1499 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको जो है टेक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। देख रहे हैं अभी हम अपना जो डाले थे, लेकिन यहाँ पर जो है मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए जो है बता रहा है कि आपको पहले से जो है मेरे पास सीएससी आईडी है। जब आपके पास सीएससी टेक रजिस्ट्रेशन जो है बन जाएगा, टेक सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको जो है वो भी जो है बताने वाला हूँ। जब आपको जो है कूपन आ जाएगा टेक सर्टिफिकेट का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा भी इसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है, बहुत ही कम समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से चलते हैं पोर्टल पे। आप यहाँ पर देख रहे हैं सीएससी जो है से आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो सीएससी वीएलसी में क्लिक करना है। उसके बाद जैसे 1499 रुपये का कूपन कटाए होंगे तो आपको जैसे टेक सर्टिफिकेट नंबर आया होगा, इसको इसमें डालना है। जो मोबाइल नंबर आप दिए होंगे वो मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालिएगा, सबमिट करिएगा तो आपको इसका जो है से मेन पोर्टल खुल जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद जो है आपको एक पैन कार्ड, एक चेक या बैंक का पासबुक और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना रहता है और कुछ डिटेल आपको सबमिट करना रहता है। उसके बाद
ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद आपको जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है 10 दिन का जो है आपको जो है कोर्स रहेगा, और डेली आप जो है एक बार खोल के लॉग इन कर लीजिएगा। आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड जी मेल पर गिर जाएगा। 10 दिन का कोर्स होता है, कोर्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके इसको अप्रूव करवा लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।